नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। अब जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। दुमका में बोलेरो की चपेट में आने से युवक की मौत। झारखंड में दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र में बोलेरो की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई तथा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि बंदरजोरी निवासी राजा कुमार यादव 18 वर्षीय अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से रविवार को चुट्टोनाथ पूजा करने गया था। देर शाम घर लौटने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राजा कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मुकेश मंडल नामक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुआवजे के लिए सड़क पर शव रख रोका वाहनों का रास्ता। पुलिस लाइन के समीप रविवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मृत किशोर 18 वर्षीय राजा यादव के शव का सोमवार को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद सोजन व बंदर जोड़ी मोहल्ले के लोगों ने मुआवजे के लिए पुराना DIG आवास के सामने मुख्य सड़क पर शव रख कर दुमका शिकारीपाड़ा मुख्य मार्ग को करीब 1.5 घंटे के लिए जाम कर दिया। अंचलाधिकारी ने सोजन को 20,000 रुपये मुआवजा हुआ आवास देने का आश्वासन देकर शांत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, नए साल में युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात, स्वरोजगार के लिए तैयार हो रहे एक्शन प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सोमवार को उपराजधानी दुमका में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने नए साल में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी की सौगात देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। नए वर्ष में बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगले साल मार्च तक लगभग 10,000 से 15,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इंग्लिश गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। रामगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस ने रविवार की रात कोआम गांव के समीप ट्रक को लूटने की साजिश रचने वाले 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी चतुर टूडू के पास एक तमंचा व 2 गोली बरामद हुई। सभी 5 माह पहले हसडिया में गिरफ्तार हुए इंग्लिश हेमरम के गिरोह के सदस्य हैं। तीनों के खिलाफ 2 हत्या समेत लूटपाट के 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस उनके खिलाफ दर्ज केस में रिमांड पर लेगी। कोरोना जांच के बाद सभी को जेल भेज दिया जाएगा। खबर देवघर से। देवघर में राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा धन संग्रह का कार्यक्रम। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला इकाई की बैठक बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक मोहन सिंह सोलंकी की उपस्थिति में हुई। बैठक की अध्यक्षता विहिप के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पांडे ने की। संयोजक सोहन सिंह सोलंकी ने सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के प्राचीन इतिहास को पुनः स्थापित करने का संकल्प उपस्थित सदस्यों लिया जाना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से 28 फरवरी तक निधि संग्रह करने पर बल देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी दायित्ववान सदस्य व कार्यकर्ता इस काम में जुटे। दुग्ध क्रांति की दिशा में 6 माह में झारखंड को मिलेंगे 3 नए मिल्क प्लांट, साहिबगंज और पलामू में भी खुलेगा। झारखंड सरकार ने दुग्ध क्रांति की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। प्रदेश को 3 और नए प्रोसेसिंग प्लांट 6 माह में मिलेंगे। पहला प्लांट देवघर सारठ में लगेगा, जिसका उद्घाटन 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसकी क्षमता 50,000 लीटर मिल्क प्रोसेसिंग की होगी। वहीं साहिबगंज और पलामू में प्लांट खोले जाएंगे। साहिबगंज का प्लांट मार्च महीने और पलामू का प्लांट जुलाई महीने के करीब खुलने की संभावना है। इनकी भी क्षमता 50,000 लीटर की है। जरूरत पड़ने पर तीनों प्लांट 1,00,000 लीटर मिल्क प्रोसेसिंग कर सकता है। मेंस एसोसिएशन के नए प्रांतीय अध्यक्ष का धनबाद पुलिस लाइन में हुआ स्वागत। पुलिस मेंस एसोसिएशन के नए प्रांतीय अध्यक्ष राकेश पांडे का सोमवार को धनबाद पुलिस लाइन में भव्य स्वागत हुआ। चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष राकेश पांडे देवघर से रांची लौट रहे थे। इसी बीच धनबाद पुलिस लाइन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की तथा पुलिस लाइन के मंदिर में भी माथा टेका। खबर जामताड़ा से। धान की खरीदारी शुरू, अब गोदाम की हुई समस्या।
प्रशासनिक पदाधिकारी के लाख प्रयास के बावजूद जिले में चल रहे धान क्रय की गति सुस्त है। इसका परिणाम है कि 1 लाख लक्ष्य 5000 क्विंटल के विरुद्ध एक सप्ताह में महज 3050 क्विंटल धान की खरीदारी हो पाई। गोदाम की कमी भी आड़े आ रही है। पहले दिन कम रही विद्यार्थियों की उपस्थिति। करीब 9 माह के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को जिले के 65 उत्क्रमित उच्च विद्यालय और प्लस टू विद्यालयों में कक्षा शुरू हुई। हालांकि पहले दिन बच्चों की उपस्थिति कम रही। अधिकांश विद्यालयों में कक्षा संचालन आरंभ नहीं हो पाया। स्कूलों में जो भी बच्चे पहुँचे थे उन्हें शिक्षकों ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया और मंगलवार से स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया। बच्चों को सहमति पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसे अभिभावक से हस्ताक्षर करने के बाद उसे मंगलवार को स्कूल में जमा करना होगा। शिक्षित समाज का निर्माण करना ही पुस्तकालय का है उद्देश्य। खबर जामताड़ा के नारायणपुर से है। पुस्तकालय अधिष्ठान का उद्देश्य एक शिक्षित समाज का निर्माण करना है। ग्रामीण स्तर पर समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय छात्र छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। यह बातें उपायुक्त फैज अहमद मुमताज कही। वे सोमवार को जामताड़ा की पंजनिया पंचायत अंतर्गत श्यामपुर ग्राम में सामुदायिक पुस्तकालय उद्घाटन समारोह का संबोधित कर रहे थे। उधर मदना डीह में भी डीसी ने सामुदायिक पुस्तकालय का शुभारम्भ किया। अब खबर पाकुड़ से। सिमल डाब गांव में न सड़क न पानी, संकट में है जिंदगानी। खबर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड देश के 10 पिछड़े प्रखंडों में शामिल है। सरकार यहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन यहां का पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा। ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति तो और बुरी है। हम बात कर रहे हैं प्रखंड मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गोड्डा जिले की सीमा पर बसे सिमलडा गाँव की। 9 माह बाद खुले विद्यालय, छात्र व शिक्षकों में उत्साह। सरकार के निर्देश पर सोमवार से जिले के उच्च विद्यालय और प्लस टू विद्यालयों में कक्षा 10 से 12 तक की पढ़ाई शुरू हो गई, जिसमें 9 माह के बाद विद्यालयों में रौनक लौट आई। लंबे अंतराल के बाद विद्यालय पहुंचे छात्रों के चेहरे पर पढ़ाई शुरू होने की खुशी साफ दिख रही थी। पहले दिन अधिकतर बच्चे मास्क लगाकर विद्यालय पहुंचे थे। कई बच्चे अपने अभिभावक के साथ विद्यालय पहुंचे थे। स्कूल पहुंचते ही छात्र छात्राओं के हाथों को सबसे पहले सैनिटाइजर कराया गया। छात्र छात्राएं मास्क लगाकर ही स्कूल पहुंचे थे। छात्र छात्राएं भी अपने अभिभावकों से स्कूल आने को लेकर आवश्यक सहमति पत्र के साथ अपने स्कूल पहुँचे थे। विधायक के बाग में मिला 5 जहरीला सांप। हिरनपुर विधायक के दिनेश मरांडी के आवास के निकट बाग से सोमवार को धनबाद गोमो से पहुंची एक्सपर्ट टीम ने एक कोबरा सहित 5 जहरीले सांप को पकड़ा। रेस्क्यू करने के पूर्व टीम के सदस्यों ने पूरी तैयारी कर ली थी। एक्सपर्ट टीम में शामिल बापीदा के नेतृत्व में बाग स्थित कमरा में से 2 बड़ा कोबरा तथा 3 जहरीले करैत सांप को पकड़ने में सफलता मिली। सांपों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक्सपर्ट बापीदा ने बताया कि रेस्क्यू के पूर्व बाग के चारों ओर केमिकल इंस्ट्रूमेंट सहित गंध, चंदूर, क्वल फलिया, फार्मोलिन, अमोनिया आदि का उपयोग किया गया। इसके बाद सांपों को पकड़ने में कामयाबी मिली। खबर अब गोड्डा से। झारखंड का संथाल परगना में 1 जून 2021 से होगा आर्थिक नाकेबंदी। गांव-गांव में जमकर हो रही है तैयारी। खबर गोड्डा के बुआरीजोर से है। संथाल परगना में 1 जून 2021 से आर्थिक नाकेबंदी को लेकर लगातार जागरूक अभियान चला जा रहा है। बुआरीजोर प्रखंड क्षेत्र बागमारा माड़पा मेघी गांव में बैनर लिए जन जागरण जागरूकता अभियान चलाया कर सरकार के प्रति अपने कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व सूर्य नारायण हासदा कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले को लेकर कहा, आदिवासियों के प्रति लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों के साथ आह्वान कर रहे हैं। वही संथाल परगना के वीर शहीद सिद्धो कानू की मूर्ति तोड़ने वालों का सीबीआई से जांच की मांग की है। मामला हेमंत सोरेन मानहानि का है। निशिकांत दुबे फेसबुक ने दिया जवाब, ट्विटर के खिलाफ निकला नया आदेश।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे के सहित अन्य के खिलाफ दाखिल किए गए 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर आगे क्या की। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए, इस पर अदालत ने निशिकांत दुबे के अधिवक्ता से जवाब मांगा। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने जवाब देने के लिए अदालत से 2 सप्ताह का देने का समय मांगा है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।